स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर गुरु ने शेयर की है। ये कहानी बागडंडा गांव की है। ये इलाका पुरलिया जिले में है। बागडंडा गांव में रवि नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। ये बात साल 2007 की होगी, जब रवि माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक शाम जब रवि ट्यूशन से लौट रहा था, तब उसने एक नदी के सामने दो घुंघराले बाल वाले छोटे कद के लोगों को देखा। रवि एक शरारती लड़का था, इसलिए उसने सोचा कि ये दोनों उसके गांव के ही बच्चे हैं, तो उनसे थोड़ी मस्ती की जाए। ये हमारे गांव के बच्चे इधर नदी के पास क्या कर रहे हैं, चलो इनकी थोड़ी टांग खींचते हैं। रवि ने मजाक में उनके बालों को हाथ लगाया तो वो दोनों तुरंत पीछे पलट गए। उन्हें देखकर रवि बुरी तरह घबरा गया। रवि ने आज तक अपने बुरे सपने में भी कभी ऐसे डरावने चेहरे नहीं देखे थे। कोई मुझे बचाओ, कौन हो तुम लोग? दरअसल वो घुंघराले बाल वाले कोई इंसान नहीं थे, वो बौने भूत थे जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। घुंघराले बाल, बड़े बड़े नाखून, उनकी लाल आंखें बिल्कुल आग की तरह चमक रही थी। वो भयानक मंजर देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। वो दोनों बौने भूत घुर्राते हुए रवि के ऊपर झपट गए और उसे अपने नाखूनों से नोचने लगे। रवि अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे उन शैतानों से बचकर अपना बैग और साइकिल वहीं छोड़कर भाग गया। घर पहुंचते ही रवि ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। रवि के माता पिता उसकी बात पर विश्वास ना करते हुए उसे मजाक में ही टाल देते हैं। हाँ हाँ पता है, ये भी स्कूल ना जाने का कोई बहाना है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। अगले ही दिन रवि को तेज बुखार हो गया। उसके पिताजी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है, इसे बुखार हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयां लिख दी हैं, समय से दवाई लेने पर ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से दवाइयां लेकर रवि और उसके माता पिता घर आ जाते हैं। 4-5 दिन तक रवि को दवाइयां देने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं होता, तो उसके घर वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रवि के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण उसकी ये हालत हुई है। एक दिन जब रवि का बड़ा भाई किशन बाजार से घर वापस आ रहा था, तो उसने उन दोनों बौने भूतों को रास्ते में देखा। उनके थोड़े और करीब जाने पर उसने देखा कि वो दोनों भूत एक मुर्गे को जिंदा ही कच्चा चबा रहे थे। ये देखते किशन दहशत से कांप उठा और किसी तरह खुद को संभाल कर वहां से भागकर अपने घर आ गया। घर आते ही उसने अपने साथ हुआ किस्सा सबको बता दिया। पिताजी, किशन क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? पिताजी, रवि सच कह रहा था, गांव में दो बौने भूत घूम रहे हैं। किशन के पिताजी समझ जाते कि ये सब उन शैतानों की वजह से हो रहा है। उन्होंने बांकुड़ा के एक पंडित जी को अपने घर बुलाया, जिन्होंने रवि को एक माला और गंगा जल दिया और कहा, ये माला जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक कोई भी शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे बताए हुए मंत्र को पढ़कर ये गंगा जल उन शैतानों पर फेंक देना, इससे उनका अंत निश्चित ही हो जाएगा। इसके बाद रवि का पूरा परिवार उन शैतानों से दूर होने के लिए उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। हम आज रात ही दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। रात में पूरा परिवार एक ट्रक में बैठकर गांव के सुनसान सड़क से होते हुए दूसरे गांव की तरफ जा रहा होता है, तभी ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। क्या हुआ, तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? साहब वो सामने देखिए। रवि के पिताजी वहां देखते तो ट्रक के बिल्कुल सामने एक बौना भूत खड़ा होता है। वो डरते डरते नीचे उतरते हैं, तभी पीछे से दूसरा बौना भूत आकर रवि को पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से उस भूत का हाथ रवि की माला पर पड़ता है और वो भूत झटके से दूर जाकर गिरता है। रवि माला को हाथ में पकड़कर भूतों की तरफ करता है, जिससे वो भूत डर कर पीछे हटने लगते हैं। रवि के पिताजी को पंडित जी की कही बात याद आती है। वो तुरंत पंडित जी का बताया हुआ मंत्र जाप करने लग जाते हैं और उन बौने भूतों पर गंगा जल छिड़कने लगते हैं। गंगा जल पड़ते ही
दोनों भूत चीखने चिल्लाने लगते हैं और उनका शरीर भस्म होने लगता है। जल्दी से ट्रक में बैठो सब, हमें यहाँ से निकलना होगा। सब लोग जल्दी से ट्रक में सवार होकर वहां से दूर जाने लगते हैं। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस गांव में उन बौने भूतों को नहीं देखा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ये कहानी चार दोस्तों की है, राहुल, बिट्टू, संजय और राज। ये चारों अद्रा शहर में वरुण सर की कोचिंग क्लास में रेलवे की परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक दिन वरुण सर की कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद चारों दोस्त मिलकर जयचंदी पहाड़ का मेला घूमने की योजना बनाते हैं। तभी वरुण सर उन चारों की बात सुन लेते हैं और उन सबको कहते हैं, तुम लोग सिर्फ दिन भर घूमते ही रहते हो, कभी मेला घूमना है तो कभी पार्टी करनी है। याद रखना, इस बार मैं सबका टेस्ट लूंगा, मैथ्स और जनरल नॉलेज दोनों सब्जेक्ट्स का। वरुण सर की बातें सुनकर चारों दोस्त वहां से निकल जाते हैं। चारों दोस्त सूर्य सरोवर यानी धोबी तालाब के पास टहलते हुए बातें करते हैं। सर, इस बार जनरल नॉलेज का भी टेस्ट लेने वाले हैं। भाई, जनरल नॉलेज पढ़ना तो अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया है। इस बार भी टेस्ट में हमारे अच्छे नंबर नहीं आए तो सर सभी के सामने हमें फिर से खरी खोटी सुनाएंगे। अरे यार, चुप भी करो, अभी से डराओ मत, सामने उस पेड़ को तो देखो। सामने एक 25 फुट ऊंचा पेड़ था जिस पर हजारों लोहे की कीलें गाड़ी हुई थीं। ये कैसा पेड़ है भाई? अरे कहावत है कि ऐसे पेड़ जिन पर ऐसी कीलें ठोकी हुई होती हैं, उन पर बुरी आत्माओं का वास होता है, या फिर उन पेड़ों में बुरी आत्माओं को कैद किया होता है। अरे ये सब क्या बकवास है, क्या तुम लोग भी ऐसी बातों को मानते हो? राहुल, तुझे ये सब बकवास लगता है? जिस दिन तेरा सामना किसी बुरी आत्मा से होगा तब तुझे समझ आएगा। राहुल, अगर तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया तो तुम क्या करोगे? अरे भाई, राहुल के पीछे भूत नहीं, चुड़ैल पड़ेगी, चुड़ैल। फिर चारों दोस्त हंसने लगते हैं। इतने में वहां एक कुत्ता घूमते हुए नजर आता है। राहुल उस कुत्ते को बिस्कुट खिलाता है। राहुल हमेशा अपने साथ बिस्कुट या ब्रेड लेकर ही घूमता है ताकि रास्ते में गाय, कुत्ते, बिल्ली सभी को खिला सके। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। तभी संजय कहता है, क्यों राहुल, चिड़िया घर में नौकरी चाहिए क्या? वहां बहुत सारे जानवर मिलेंगे। इस बार राहुल गुस्सा होकर चला जाता है। उसी दिन शाम के समय राहुल को किसी काम से अनाड़ा की ओर जाना पड़ता है। राहुल अपनी साइकिल लेकर अनाड़ा की ओर रवाना हो जाता है। वो मेन रोड से ना जाकर गांव के सुनसान रास्ते से जाता है। साइकिल चलाते चलाते उसे रास्ते में कुछ 4-5 कुत्ते नजर आते हैं। राहुल साइकिल रोकता है और उन कुत्तों को बिस्कुट खिलाता है। कुत्तों को बिस्कुट खिलाकर जब राहुल अपनी साइकिल पर बैठता है तो कुत्ते उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कुत्ते राहुल की पैंट को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं। राहुल जैसे तैसे उन कुत्तों से पीछा छुड़ाकर वहां से आगे निकल जाता है। साइकिल चलाते चलाते राहुल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब राहुल पीछे देखते हैं तो वो हैरान हो जाता है। पीछे एक खतरनाक चुड़ैल उसका पीछा कर रही होती है।
वो चुड़ैल देखने में बहुत खतरनाक थी। उसके बाल सफेद और काफी घने लंबे थे। आंखें सफेद रंग की थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। चुड़ैल ने अपना मुंह इतना बड़ा खोल रखा था मानो वो तुरंत राहुल को निगल जाएगी। चुड़ैल ने काले रंग की साड़ी पहनी थी और वो लगभग 7 फुट लंबी थी। राहुल तेज तेज साइकिल चलाने लगा और काफी आगे निकल गया। राहुल भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मुझे इस बुरी आत्मा से बचाइए। राहुल को वहां आसपास कोई मदद के लिए नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक से वो चुड़ैल उसे बीच रास्ते में नजर आई, जिसे देखकर राहुल का दिल दहल जाता है। राहुल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पर ही गिर जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके तीनों दोस्त उसके सामने खड़े हुए होते हैं। राज उससे पूछता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? तुम वहां सड़क पर क्यों पड़े हुए थे? तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था कि तुम अनाड़ा जाने के लिए निकले थे, उसके बाद तुम उनका फोन भी नहीं उठा रहे थे। कुछ समय परेशान होकर उन्होंने हमें फोन किया, जिस कारण हम लोग रात में ही तुम्हें ढूंढने निकले थे। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, नहीं तो हम सब पुलिस के पास जाने वाले थे। एक बात समझ में नहीं आई, जब से हम यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं कि ये कुत्ते तुम्हें घेर कर बैठे हैं, ऐसा क्यों? राहुल ने देखा तो ये वही कुत्ते थे जिन सबको उसने बिस्कुट खिलाया था। तब उसे सारा किस्सा समझ आता है कि असल में इन कुत्तों ने राहुल को चुड़ैल से बचाने के लिए उसे रोकने की कोशिश की थी। जब वो राहुल को वहां नहीं रोक पाए तब उन्होंने राहुल का पीछा किया और उसको ढूंढने की कोशिश की। वो कुत्ते रात भर राहुल को घेर कर उसी सड़क पर बैठे रहे ताकि चुड़ैल उसका कुछ भी बिगाड़ ना सके। कुत्तों की वफादारी देखकर राहुल का मन भर आता है, जिसे देख वहां खड़े उसके दोस्त भी यही बोलते हैं कि आज तक हम राहुल की जानवरों के प्रति भावनाओं का मजाक मनाते रहे, पर आज हमें ये पता चल गया है कि ये बेजुबान जानवर अगर किसी को अपना मान लेते हैं तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ये कहानी राजा नाम के एक लड़के की है जो बिहार का रहने वाला था। बात तब की है जब राजा को शहर के सबसे बड़े जिम में ट्रेनर की जॉब मिली। जिम में ट्रेनर की जॉब मिलने से राजा बहुत खुश था। एक दिन राजा हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने गया था, तभी वहां उससे उसका दोस्त परम मिला। क्या बात है भाई राजा, शहर के सबसे नामी जिम में ट्रेनर बन गए, अब तो तुम सच में राजा बन जाओगे। अरे क्या भाई, तुम भी ना, अभी अभी तो ट्रेनर बना हूं। सुनो भाई, इस बार तो तुम्हें पार्टी देनी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है भाई, इस बार तुम्हें पार्टी जरूर मिलेगी। फिर दोनों ने शहर से थोड़ी दूर एक बड़े रेस्टोरेंट में शाम के समय पार्टी करने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें राजा के सभी दोस्तों को आना था। राजा शाम को तैयार होकर बाइक लेकर घर से निकलता है। राजा बाइक से जा रहा था कि तभी उसने रास्ते में कुछ पुलिस वालों को देखा जो बाइक चालकों का हेलमेट चेक कर रहे थे और बिना हेलमेट वालों का चालान काट रहे थे। राजा उस दिन हड़बड़ी में हेलमेट पहनना भूल गया था, इसलिए उसने यू टर्न लिया और शमशान घाट के पीछे वाले कच्चे रास्ते से जाने लगा। वो रास्ता काफी सुनसान था।
वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। राजा बाइक चलाते हुए जा रहा था तभी उसे धड़ाम की आवाज सुनाई दी, मानो कोई बड़ा पेड़ गिर गया हो। राजा ने बाइक रोककर इधर उधर देखा तो कोई पेड़ नहीं गिरा था। राजा उस आवाज को अपना भ्रम समझकर वहां से आगे बढ़ता है। तभी राजा को किसी ने पीछे से उसका नाम लेकर पुकारा, राजा। राजा रुक गया क्योंकि वो आवाज उसके दोस्त परम की थी। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसे ताज्जुब हुआ, कहीं उसे दोबारा कोई भ्रम तो नहीं हुआ है। राजा बाइक लेकर आगे बढ़ता ही है कि उसे फिर से किसी ने पुकारा, राजा। इस बार राजा ने पीछे मुड़कर कहा, कौन है, कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। राजा बाइक से नीचे उतरकर इधर उधर देखता है और चिल्लाता है, कौन है, कौन मेरा नाम ले रहा है, सामने आओ। तभी उसकी नजर सामने एक तालाब की तरफ जाती है। वहां एक चादर ओढ़े शख्स बैठा हुआ था और कंकड़ उठा उठाकर तालाब में फेंक रहा था। राजा उसके पास जाता है और पूछता है, क्या आपने मुझे पुकारा था? इस पर वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और पीछे मुड़ गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चादर ओढ़ा वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वो राजा की तरफ आगे बढ़ रहा था, मानो उसे अभी मार डालेगा। राजा भागते हुए नीचे गिर गया तो उसे बूढ़े आदमी की आत्मा ने उसका पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की। राजा ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया जिससे वो आत्मा पीछे हट गई। राजा वहां से दौड़कर नजदीक के एक रेलवे फाटक के पास पहुंचता है। राजा को फाटक के सामने एक पेड़ के नीचे एक हनुमान मंदिर मिला जहां दो आदमी दीपक जला रहे थे। उन्होंने राजा को घबराया हुआ देखा और उसके पास आ गए। राजा ने उन आदमियों को पूरी बात बताई। राजा की बात सुनकर वो दोनों चौंक गए। उनमें एक ने राजा से कहा, अच्छा हुआ बेटा जो तुम यहां तक पहुंच गए। काफी सालों पहले मैंने भी उस आत्मा को पलट कर जवाब दिया था और वो मेरी जान के पीछे पड़ गई थी। मैं काफी मुश्किल से बचकर इस हनुमान मंदिर तक पहुंच गया था, वरना उस दिन मैं बच नहीं पाता। राजा ने उनका फोन मांगा और अपने दोस्त परम को कॉल किया, उसे पूरी बात बताई और मदद के लिए बुलाया। परम बाइक लेकर कुछ ही देर में उस फाटक पर पहुंच गया क्योंकि राजा अपनी बाइक उस रास्ते में ही छोड़कर आ गया था। इसलिए उसने जंगल में वापस जाकर अपनी बाइक लाने का फैसला किया और परम से कहा, चल भाई हमें उसका सामना करना ही होगा। उन आदमियों ने राजा और परम के माथे पर हनुमान जी के चरणों के सिंदूर का तिलक लगाया और उन्हें कहा कि बिना पीछे मुड़े, बिना किसी आवाज का जवाब दिए आगे बढ़ते जाना। राजा और परम उस सुनसान जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें उस बूढ़े आदमी का भूत दिखाई देने लगा, मानो कि जैसे वो भी उस बाइक की तेज रफ्तार से उनका पीछा कर रहा हो। तभी उन्हें राजा की बाइक झाड़ियों में गिरी हुई दिखाई देती है। वो देखो राजा, वो रही तुम्हारी बाइक। राजा अपनी बाइक जैसे कि ऑन करके वहां से निकलने लगता है तभी उसके पीछे से परम की आवाज आती है, राजा मुझे बचाओ, इस भूत ने मुझे पकड़ लिया है, पीछे देखो मेरी तरफ। ये सुनते ही राजा को उस आदमी की बात याद आ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। राजा ने मन में सोचा, मुझे पता है कि तुम सिर्फ परम की आवाज निकालकर मुझे अपने इस जाल में फंसाना चाहते हो। परम को पता है कि अगर वो मुसीबत में आएगा तो उसे क्या करना है, और फिर वो हनुमान चालीसा के मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है और जंगल से बाहर निकलने लगता है। जंगल से बाहर निकलते वक्त वो भूत कई बार उसकी बाइक के सामने आया पर राजा ने अपनी बाइक नहीं रोकी और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में उसे परम भी उसकी बाइक पर जंगल से
बाहर की ओर आते हुए दिखा और दोनों हनुमान चालीसा का जाप करते हुए उस भूत को पीछे छोड़ जंगल से बाहर सही सलामत निकल आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।